लक्ष्मण जी, आज तक तुम अपने बड़े भैया के स्नेह की शीतल छाया में ही रहते आए हो, परंतु आज से तुम्हें अपने राजा के प्रथम सेवक, उनके अंग रक्षक और आदर्श राजभक्त का जीवन बिताना होगा। आज से राम तुम्हारे प्रभु हैं। मुझमें और लक्ष्मण में तो कोई अंतर नहीं है माँ। लक्ष्मण तो मेरी द्वितीय अंतरात्मा है, जो मैं हूं वही लक्ष्मण है। जो भोग मैं भोगूंगा, लक्ष्मण सदा समान रूप से उसमें सहभागी बना रहेगा। मेरा जीवन, मेरा राज्य वैभव सब तुम्हारे लिए है। भैया, मेरा जीवन जन्म से ही इन श्री चरणों की सेवा में समर्पित रहा है और रहेगा ही। गुरुदेव ने पत्थर की ही तरह बनाकर भेजा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जीवन केवल युद्ध ही युद्ध नहीं होता, उसमें प्रेम और श्रृंगार परम आवश्यक है। श्रृंगार? हाँ, गुरुदेव भला इन बातों को क्या समझेंगे। वो क्या जाने कि जब हमारे राजकुमार किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ की राजकुमारियाँ हमारे राजकुमार को देखकर भला क्या कहेंगी। वो तो यही कहेंगी कि अयोध्या के राजकुमारों को प्रेम और श्रृंगार की विद्या आती ही नहीं, वो तो सिर्फ योद्धा बने मटकते फिरते हैं, उन्हें सुंदरता से तो कोई लगाव ही नहीं। भरत परशुराम की तरह तू भी अपनी माँ का सर काट कर फेंक दे, किंतु लज्जा से और धरती में मत गाड़। तो फिर वन में तुम्हारा क्या काम है? सबसे बड़ी पापन मैं हूँ, ये सारा सर्वनाश मेरे ही कारण हुआ है। ये आग जो मैंने लगाई है, अपने पश्चाताप के आंसुओं से मुझे शीतल करने दे। तुम सब जिस लक्ष्य के लिए वन में जा रहे हो, मुझे भी अपनी सहभागिनी बना लो। वो अधिकार अब तुम खो चुकी हो। माँ का अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। भरत, ये मत भूल, कैकेयी राम की माँ है। माँ पुत्र को दंड भी दे सकती है और उस पर ममता का हाथ फेरने का अधिकार भी रखती है। मेरी जन्म भर की हुई भगवान विष्णु की आराधना सफल हो गई। कुल देवता तेरा मंगल करे और तुम्हें सूर्यवंश की कीर्ति की रक्षा करने की शक्ति प्रदान करे। माता, आपका आशीर्वाद और ममतामयी मंगल कामना ही मेरा बल, मेरा संबल, मेरे जीवन नौका की पतवार है।